फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा इंटेक्स का होम थिएटर सिस्टम है। इसका मॉडल नंबर है IT4800W। ये एक बड़ा स्पीकर है। इसके साथ मुझे 5 स्पीकर और मिले हुए हैं जो मैंने दिखाए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा स्पीकर है और ये नीचे मेरे 5 स्पीकर और रखे हुए हैं। इसमें एक बड़ा स्पीकर है और 2 इधर लेफ्ट में, ये टोटल 4 छोटे स्पीकर है। तो जिसमें केबल बड़ी है उसको पीछे रखना है, उसको जितनी लंबाई होगी उसको उतने पीछे रखना है, और जो 2 छोटे वाले जिसमें छोटी लीड होगी उसको आगे रखना है। तो इस तरह से ये स्पीकर हो जाएगा, एक बड़ा स्पीकर ये हो जाएगा और इसके बाद ये स्पीकर हो जाएगा। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे वाले में 2 स्पीकर जिनकी लीड लंबी है उनको पीछे साइड में रखना है, लेफ्ट राइट। और ऐसे ही उसमें लिखा हुआ है किसको लेफ्ट में रखना है, किसको राइट में रखना है। और वैसे अगर आप बदल भी देंगे तब भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 स्पीकर छोटे हैं आगे रहेंगे ताकि एक सराउंड सिस्टम, सराउंड इफेक्ट पैदा हो सके फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, इस स्पीकर को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कंप्यूटर पे कनेक्ट किया हुआ है, और इसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस लीड की आवश्यकता होगी, इस लीड की जरूरत होगी फ्रेंड्स। देख सकते हैं इस लीड की आवश्यकता होगी, 3.5 mm जैक में लगती है ये, आप देख सकते हैं। इसको आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं और टीवी में भी लगा सकते हैं, और कंप्यूटर और टीवी में कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये इधर लग जाएगी, और ये दोनों पॉइंट जो लगे हुए हैं, ये साउंड के लेफ्ट राइट के जो साउंड के 2 लीडे हैं, ये आपके कंप्यूटर इसमें होम थिएटर में कनेक्ट होंगी। वो मैं दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट होंगी। तो आप इससे मोबाइल भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं, कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हैं और टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये लीड लगी हुई है, ये जो मेरे मोबाइल, ये जो मेरे टीवी से आ रही है या कंप्यूटर से आ रही है या मेरे मोबाइल से आ रही है। यहाँ पर लिखा है आक्स, या ऑक्सिलरी इनपुट है, ये यहाँ पर दोनों लगा देना है। ये व्हाइट एक में मार्किंग है, एक में रेड है। आप लेफ्ट राइट किसी को भी लगा सकते हैं लेफ्ट राइट में। मैं इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ स्पोर्ट में लगा देते हैं, ये जैसे रेड कलर का ये सॉकेट है, ये व्हाइट है। अगर व्हाइट चाहे इधर लगा देता हूं, मैं रेड को इधर लगा देता हूं, व्हाइट को इधर लगा देता हूं, तब भी कोई फर्क नहीं। ये है बाकी, ये मेरे जो 5 स्पीकर नीचे लगे हुए हैं उनकी लीडे हैं। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड, जब आप अगर इसको बाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये 5 लीडे लगी हुई है, हर स्पीकर से 1 लीड आई हुई है। तो फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसकी साउंड परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, किस तरह से इसकी साउंड है। बहुत गजब साउंड है इसकी, मैं आपको इसको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये लीड चाहिएगा तो बाजार में मिलती है, आप खरीद लीजिएगा। इस तरह से रहेगी, एक एंड पे ये इस तरह से लगा हुआ है, जैक पोर्ट लगा हुआ है, और दूसरी साइड इस तरह की है। तो ये आप ले लीजिएगा, और मैं अब साउंड आपको प्ले करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं ये प्ले कर देता हूँ, कोई सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। ये मेरी यूट्यूब लाइब्रेरी है जो फ्री है, नो कॉपीराइट राइट म्यूजिक है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये ऑडियो लाइब्रेरी, और मैं इस गाने को प्ले कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने प्ले कर दिया है। अब इसका साउंड इफेक्ट आप देख लीजिए। दूसरा गाना प्ले कर देता हूँ। ये देखिए, फ्रेंड्स मैं एक गाना और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ।
फ्रेंड्स इसका रिमोट अभी मिल नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसके साथ रिमोट भी मिलेगा। आप इसके वैल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं रिमोट की मदद से, और ग्लरी को चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, इसके बास को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके ट्रबल को कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि होम थिएटर सिस्टम में होता है। आप जो यहाँ पर स्विच देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैनुअल स्विच लगे हुए हैं आप उनकी मदद से भी कर सकते हैं और रिमोट की मदद से भी कर सकते हैं, उसको लंबे काफी दूर से भी इसको रिमोट से वैल्यूम और बाकी जो भी फंक्शन है इसके पावर के म्यूट के अगली जो भी दिए हुए हैं ये सब रिमोट में दिए हुए हैं, आप रिमोट से दूर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये आप इसको किसी भी डिवाइस से, आप चाहें तो मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके अलावा एक वीडियो और डाली हुई है जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर देंगे। अगर ब्लूटूथ, अगर आप वायर केबल ना लगाना चाहें तो आप ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो उसमें एक डिवाइस आती है 175 रुपए की, वो आप ले लेंगे तो आप उसको ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट कर देंगे तो आप अपने मोबाइल से दूर से भी बैठ के कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी साउंड को प्ले कर सकते हैं बिना किसी केबल के। तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो, और इसकी साउंड क्वालिटी मैंने दिखा दी, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है इसकी। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, इनकी इसकी बाइंग लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं।